हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज भी एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। और आज कुछ खास नहीं है, मन ख़राब है क्योंकि आज इतना दिन मम्मी पापा के साथ रहने के बाद सिलीगुड़ी वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही, शादी हो गया है तो हमेशा तो नहीं रह सकती। और आज जाने के टाइम एक गाँव का, मेरा गाँव से थोड़ा दूर, वो सब का वीडियो बनाए हूँ, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए, मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। Yeah.
हाँ अभी हम लोग आ चुके हैं पशुपति बॉर्डर पे, जहाँ पे इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है पशुपति, वहाँ पे। तो अभी हम लोग इस तरफ ही है, नेपाल की तरफ ही। अभी हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके उधर जाएंगे। तो मैंने थोड़ी दूर से वीडियो बनाई है, क्योंकि कितने जगह पे लोग वीडियो बनाने नहीं देते। तो अभी हम लोग उस तरफ जाएंगे, उस तरफ जाके मिरिक का गाड़ी लेंगे, फिर उसके बाद मिरिक से फिर सिलगुड़ी का गाड़ी लेके जाएंगे। मेरा घर जाने में, इधर से जाने में कम से कम 4 गाड़ी लगता है, 4 गाड़ी चेंज करना पड़ता है। तो अभी ये हुआ नेपाल और इंडिया का बॉर्डर, तो हम लोग क्रॉस करके जा रहे हैं। चलिए आप लोग भी। और आज ना ये रास्ता में भी पूरा ये है पशुपति का, थोड़ा नीचे यहाँ पे भी पूरा कुआसा है, क्योंकि उधर तो पूरा कुआसा था। तो अच्छा हुआ बारिश नहीं हुआ, और अभी ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उतना भी नहीं है, ठीक ठाक है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मिरिक कृष्णनगर। मैंने थोड़ा सा वीडियो किया है यहाँ पे, और गाड़ी लेट था तो इसलिए हम दोनों घूमा भी यहाँ पे। तो बहुत दिन बाद गई, मज़ा आया मुझे, और बारिश नहीं था उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि बारिश होने से तो घूम नहीं सकता। और आप लोगों को भी दिखाती हूँ थोड़ा सा। और अभी हम लोग मिरिक से निकल के पहुंच गए हैं सौरिनी, ये वाला है सौरिनी बाज़ार। आप लोग तो गए होंगे कितना बार, यहाँ पे बहुत बड़ा एक मंदिर भी है, टेंपल। Thank you.
लोग सिलगुड़ी पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ा दूर है हमारा घर, अभी पहुंच ही जाएंगे। और जाने के साथ साथ सबसे पहले तो मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और आज का वीडियो इतना ही। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को शेयर लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।